जी आज की वीडियो है हमारी एमएस एक्सेल के रिलेटेड। एक्सेल क्या चीज़ है, इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं और आप इसके फार्मूले को भी पढ़ेंगे हम जी। ये एक्सेल की जो शीट होती है वो इस तरह से होती है और इसमें मुख्तलिफ किस्म के टूल्स होते हैं, जैसे कि ये फाइल्स, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूले, डाटा, रिव्यू, व्यूज। एक्सेल में बहुत कुछ है जो कि प्रोफेशनल ऑफिस वर्किंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें छोटे छोटे फार्मूलेज हैं। अब हम एक्सेल में काम किस तरह करते हैं वो हम सीखते हैं। इसमें एक रो होती है और एक कॉलम होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम रो बोलते हैं और इस चीज़ को हम कॉलम बोलते हैं एक्सेल में। ए से लिख के ये देखें, अब इसको बढ़ा भी सकते हैं। फिर जी के बाद डबल ए, डबल बी शुरू हो जाता है। इस तरह जिस तरह आपका डाटा आपने इसमें सेव करना हो उस लिहाज से। और ये इसके कॉलम है, जितने मर्ज़ी आप कॉलम को इंक्रीज़ कर लें, ये देख लें, जितने चाहे उतने आप कॉलम इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बोल्ड है, इटैलिक फॉन्ट आप कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं जैसे एमएस वर्ड में करते हैं, उसी तरह ये राइटिंग्स हैं। ये फॉन्ट साइज़, ये बॉक्स का साइज़ चेंज कर सकते हैं आप जैसे मर्ज़ी, और जो आप इसमें राइट करते हो आप उसका कलर चेंज कर सकते हो। इस तरह सेलेक्ट करके आप जो सा मर्ज़ी कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। ये पैराग्राफ सेम, अगर किसी को एमएस वर्ड आता है तो वो एक्सेल में भी सेम काम कर सकता है। बस सेल्स का ख्याल रखना है कि आपने डाटा इसमें एंटर कैसे करना है। अब इसके फार्मूला हम आपको सिखाएंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।